तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम हिसार में हूँ। वैसे तो हिसार में बहुत सारी एकेडमीज़ की मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है इस एकेडमी का, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग सी और अजीब से टॉपिक पे एकेडमी है और ये सारे स्टूडेंट बड़े शानदार हैं और ये कुछ नया आयाम क्रिएट करेंगे। और अभी तक भाई कैमरा मेरे कान कर ले थोड़ा सा, मेरी वीडियो ज़्यादा बना दे, है ना बेबे। तो क्योंकि मैं जब जींद में मैं मेरे बेटे के लिए एकेडमी ढूंढ रहा था कि प्लस वन टू दसवीं नाइन्थ में उनको मैं क्या करवाऊँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हर जगह हर बोर्ड पे आईआईटी पीएमटी जेई यही लिखे दिखे थे, तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मेडिकल नॉन मेडिकल के बाद उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा क्या। बड़ी चिंता थी। अब वो नौवीं क्लास तक इंग्लिश पढ़े हैं और दसवीं क्लास में महत्तम समापवर्तक कुकर पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्तक कुकर पढ़ेंगे, हिंदी के सब्जेक्ट कुकर पढ़ेंगे, जो एसएस थी उसने वे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। बड़ा कंफ्यूजन था। और आधुनिक दुनिया में अंग्रेजी में तो करा दिए बालक, लेकिन ना तो हम पढ़ा सकते ना लिखा सकते और ना और कुछ कर सकते, सिर्फ आईआईटी पीएमटी जेई, सिर्फ इसके अलावा कुछ दिखता नहीं भाई। और भीड़ पड़ी है और कुछ ऑप्शन दिखता नहीं, तो मैंने मेरे बड़का का एडमिशन करा दिया उसे पंगे में। सच्ची कहना सुखी रहना बात तो थी या। अब मैं आया हूँ हिसार की एक अकेडमी पर और ये सभी बच्चे बड़े यूनिक कोर्स में यूनिक जगह पर एडमिशन ले रहे हैं। और आई होप, मैंने ऐसा विश्वास है कि मैं दसवीं में, जैसे ही मेरा बेटा नौवीं क्लास में है, दसवीं में वो अकेडमी में छुड़वा दूंगा याड़े भेजने की कोशिश करूंगा, या फिर यह अकेडमी जिस दिन जींद आ गई मैं इसे कोर्स में एडमिशन कराऊंगा। रास्ता मैंने दिखा और दिल खुश हुआ। नहीं तो यहाँ पर और बहुत सारी एकेडमी थी, मैं उनकी वीडियो बना सकूँ था, मना कर दिया। यहाँ पर कुछ यूनिकनेस मैंने दिखी। अब हम बात करेंगे इन छोटी छोटी बहनों से और इन छोटे छोटे भाइयों से। कुछ इनमें प्लस वन प्लस टू के बच्चे, प्लस वन के तो नहीं क्योंकि दसवीं का पेपर हुआ नहीं अभी कंप्लीट, कुछ प्लस टू के मेरे भाई हैं, कुछ दसवीं के हैं और ये बहनें भी दसवीं और प्लस टू की हैं, है ना बेबे। कौन सी क्लास की है? टेंथ। टेंथ। प्लस टू की कौन सी लड़कियाँ? आप प्लस टू के हो? यस सर। ओके। आप? प्लस टू के सर। प्लस टू के हो आप? टेंथ के। टेंथ के हो, बहुत ताकत लगी है भाई इसकी तो। ओके, अब हम यहाँ के सर से बात कर लेते हैं। भाई इधर आ जा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। भाई जतिन, राम राम भाई। अच्छा, ये जतिन बिसला है और ये हरियाणा का रैंक वन, और ऐसे ऐसे हरियाणा के तीन रैंक वन आए हैं, क्यों सर? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जगदीप भाई आपके सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ। जी आया हूँ, सत श्री अकाल जी। तो तीन रैंक और वो भी वन वन वन, और उसके बाद रैंक दो, रैंक तीन, रैंक चार, रैंक पाँच, रिजल्ट क्या रहा सर यहाँ का? जब लास्ट टाइम हम एग्री एकेडमी सार के पास टोटल 85 स्टूडेंट थे, हमने स्टार्ट किया संघर्ष भरा पीरियड रहा, दो बच्चों से स्टार्ट किया। शुरू में दो हुए, पांच हुए, पांच से हम 12 चेयर लाए, 12 बच्चे हुए, फिर 30 हुए, 30 से 50 हुए, 50 से 85 हो गए। 85 बच्चों में से हमने सुबह 8 बजे हम पढ़ाने लगते थे, रात के 12 बजे तक पढ़ाते थे। सुबह से लेके जैसे फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर की स्पेशल क्लास, डाउट क्लास, क्विज, और जो बच्चा क्विज में अच्छा स्कोर करता है उसको तुरंत चॉकलेट्स। तो मतलब ऐसे हमने मोटिवेट कर करके बच्चों को पढ़ाया 3 महीने लगातार। और फिर एट लास्ट जब एचयू का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो उसमें हमारे बच्चे टोटल 35 सिलेक्ट हुए। काउंसलिंग में टोटल 20 बच्चे आज एचयू के प्रांगण में वहाँ पर पढ़ रहे हैं, 20 में से 12 ऑफलाइन, 8 ऑनलाइन बच्चे। जो हमने मेहनत की वो रंग लाई जिस दिन रिजल्ट आया। जिस दिन रिजल्ट आया सबसे पहले हमने रिजल्ट चेक किया जतिन बिसला का, जो कि 100 में से 97 मार्क्स आए। हरियाणा के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 90 से अबोव या 95 से अबोव मार्क्स आ जाएं। तो पहली बार एग्री एकेडमी सार ने पूरे हरियाणा में इतिहास रच दिया, 100 में से 97 मार्क्स, और जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक एग्री एकेडमी सार का है। पूरे हरियाणा में 125 अकेडमियां जो तैयारी करवाती हैं, लेकिन उनमें से एग्री एकेडमी सार ने फर्स्ट रैंक पाया।
देखो सर ने प्रशंसा बहुत करी, लेकिन सर के सर एक उलाणा जरूर मैं दे रहा हूँ। भाई छोरे का रैंक एक आया है और ऐसे ऐसे दो भाई बहन और हैं जिनका रैंक एक आया है, लेकिन अभी तक इनका नाम गुप्त ही था, किसी मीडिया सोशल मीडिया या कहीं दिया ही नहीं। सर अपने लगे नहीं इनका नाम देना चाहिए था। जो जी हमारी एकेडमी है लगभग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई है जी, तो जीरो से स्टार्ट करके अब 200 बच्चों तक का सफ़र तय किया है। अब हम पूरे हरियाणा वासियों को बताना चाहते हैं कि एग्री एकेडमी सार रैंक लाती है फर्स्ट भी टॉप 10 में 8 स्टूडेंट्स, एग्री एकेडमी टॉप 10 में 8 स्टूडेंट एग्री एकेडमी से हैं। और इस बार एग्री एकेडमी सार पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को वादा करती है कि 55 में से 55 की कोशिश की जाएगी, एक भी बच्चा किसी और एकेडमी से सिलेक्ट नहीं होएगा 10th बेस एग्रीकल्चर में। क्या बात है, ये जोश बड़ा जबरदस्त है और ये जोश कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि वो चीज इनके पास है ना, वो मेहनत। सर से मैं बात कर लूं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक बात जो वैसे तो इनसे पूछनी थी, मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो आपके 55 में से 33 बच्चे जो सिलेक्ट हुए 33 प्लस, कितने परसेंट गारंटी है कि वे 33 प्लस आपके ही एकेडमी के हैं, कदे किसी और के पोस्टर चुरा के ला रहे हो? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा सर, क्योंकि आपने आई थिंक ये क्वेश्चन आपने भी इसलिए पूछा क्योंकि सभी फर्स्ट रैंक के फोटो लगाते हैं जी। तो हमने क्या किया सर, पेरेंट्स को ताकि पता लगे, ताकि पेरेंट्स को ये पता लगे सबसे पहले तो कि 10th बेस पे 55 ही सीटें हैं, तो 55 से ज़्यादा फील नहीं की जा सकती। तो हमने बकायदा बच्चों के रोल नंबर दिए, रोल नंबर के ऊपर जो है मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया बच्चों का, भाई इस साल 2021 के सेशन में जो रिजल्ट है आप बच्चों से कॉन्टैक्ट करके पूछो कि उनका हुआ या नहीं हुआ, यानी कि 55 सीटें हैं। तो एक साधारण सा तरीका देखा मैंने कि इससे पेरेंट्स को अवेयर किया जा सकता है। आज भी मेरा मकसद आपके चैनल के माध्यम से भी यही है, मेरा टारगेट जो है आज का, एक तो हमारा स्कॉलरशिप का है और दूसरा मेरा टारगेट ये है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस आए, क्योंकि पेरेंट्स को आज भी नहीं पता, आज भी बहुत बैक में है वो, और ऑप्शंस इतने सारे आ चुके हैं कि जो अवेयर पेरेंट्स हैं वो खींच जाते हैं सारे ऑप्शंस को, और जिसका बच्चा ऑलरेडी इंटेलिजेंट है लेकिन उस पेरेंट्स के पास सही गाइडलाइन नहीं होती, उसका बच्चा रह जाता है। अब अवेयरनेस की सर तो बात कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस खातर कोई कंपटीशन, कोई प्रोग्राम तो आप रखो ताकि पेरेंट्स ने आने का बहाना तो मिले। बिल्कुल सही बात। एग्री एकेडमी सार 22 मई को आने वाली, अब दो दिन बाद 22 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, उसमें 75 मार्क्स की साइंस आएगी, 25 मार्क्स का एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इन द सेंस बिल्कुल बेसिक बातें जैसे दूध, मिल्क, मिल्क वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए आई, दूध के लिए आई, भैंस, गायें, भेड़, बकरी, बाजरा, मक्का, ज्वार, इनके बारे में छोटी छोटी बेसिक बातें आपसे पूछी जाएंगी, और 75 नंबर का बिल्कुल एज इट इज जो आपने 10th बेस में साइंस पढ़ी है वही आएगी स्कॉलरशिप टेस्ट में। यदि 22 मई को एग्री एकेडमी सार के प्रांगण में 10 बजे सुबह आकर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और उसमें 90 प्लस आपने स्कोर किया, तो एग्री एकेडमी सार वादा करती है आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, सारी ड्रेस, बुक्स, नोट्स और जितनी भी मतलब सारी फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी सारी फ्री रहेंगी। जिस बच्चे के 90 से कम मार्क्स आ गए, वो भी सोच रहा होगा अब, तो 80 से 90 वाले के लिए भी स्कॉलरशिप है, 70 to 80 भी, 60 to 70 भी, जिस बच्चे के 50 मार्क्स से अबव आ गए सभी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। हाँ फिर 50 से तड़ाड़ तो भाई रहने दियो, क्यों धक्का खाओ अटैक इतना। अच्छा सर, जो बालक बहुत दूर से आएंगे उनके बारे में क्या कुछ सोचा है, यमुनानगर शहर बहुत ज़्यादा दूर? हाँ बिल्कुल सर, अभी भी फिलहाल हमारे पास 16 से 17 डिस्ट्रिक्ट का बच्चा यहाँ पे है। अब जैसे CBSE के एग्जाम हुए हैं तो बिल्कुल बच्चा मेंटली फ्री है, तो अब पूरे हरियाणा से बच्चा हमारे पास आएगा। तो हमने बॉयज़ के लिए अलग फैसिलिटी रखी है हॉस्टल्स की, गर्ल्स के लिए अलग रखी है, क्योंकि मैंने देखा कि जहाँ पर जो बच्चा आता है सबसे पहले पेरेंट्स सिक्योरिटी देखते हैं कि उनके बच्चे की कैसी है, तो सबसे पहले तो सुरक्षा का बंदोबस्त बनाया गया उनका रहने का अच्छा, ताकि उनको बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की इंटरफेयर ना हो वहाँ पे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और उसके साथ साथ मैंने ऐसी व्यवस्थाएं उनकी बनाई है जैसे कि फ़ोन कल्चर है, फ़ोन कल्चर बच्चों का नाश है आज के टाइम पे, यानी कि 10वीं के बच्चे को मैं नहीं मानता कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है फ़ोन की,
तो मैंने उसका 22 घंटे अपने पास फोन सबमिट रखा, जो बाहर का बच्चा है। तो मतलब जो बालक फोन लेकर आए हैं आपके पास है? मेरे पास है सर, किसी बच्चे के पास कोई फोन नहीं है, सिर्फ 2 घंटे इनको फोन मिलता है कि उसमें अपना इंपॉर्टेंट वर्क करें, अपने पेरेंट्स को कॉल करें, उसके बाद जो है एकेडमिक में वापस फोन सबमिट हो जाते हैं और एज इट इज इनका दिनचर्या मैं शुरू कर देता हूँ। यानी कि इनको मैं बिजी बना देता हूँ एज ए बी, मधुमक्खी की तरह अगर ये व्यस्त रहेंगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी इनके पास, और नेगेटिविटी नहीं आएगी तो पॉजिटिविटी रिजल्ट जरूर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर हमारी टीम जो है काम करती है बच्चों के ऊपर। ओके, देखो मतलब फ़ोन तो ले आवा ही है, लेकिन फ़ोन के बाहर रख दिया जावा है, कुछ टाइम के लिए इनको दे भी दिया जावा है ताकि ऑनलाइन पर कोई ज़रूरी कॉल हो तो वो कर सकें, ये अच्छी बात है। सर अब एक प्रश्न ये है, सच में मैं बहुत परेशान था, बड़का के पास IIT PMT JEE इसके बाद कोई ऑप्शन दिखा ही नहीं था, कोई अकेडमी इतनी दिखा ही नहीं थी। ये अकेडमी आपसे पूछ लेता हूँ मैं, एग्रीकल्चर में इनके पास ऑप्शन क्या है, मतलब कितना स्कोप है, क्या कंपटीशन है? 10th बेस एग्रीकल्चर पे बच्चा जब चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देगा तो उसका टेस्ट वहाँ पर HU में सिलेक्शन हो जाएगा। 6 साल की डिग्री रहेगी, 2 साल तो उसकी +1 +2, 4 साल की उसकी डिग्री रहेगी। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के, प्राइवेट जॉब्स के। गवर्नमेंट जॉब मैं बता देता हूँ, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, 10 दिन पहले रिजल्ट आया है, HU के 30 से 35 बच्चे सिलेक्ट हो गए AFO में। ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जून में पोस्ट निकलेंगी, 675 नोटिस आ चुका है, जून में पोस्ट निकलेंगी और ADO लगते ही पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो जानी है। AFO ADO और हो गया NABARD, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, किसानों का सबसे बड़ा बैंक है, उसमें भी गवर्नमेंट जॉब लगती है। और हो गया FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो किसानों की गेहूं खरीद रही है उसमें भी गवर्नमेंट जॉब लगेंगी। IFCO क्रिबको खाद की कंपनी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन एंड मैनी मोर, बहुत सारी ऐसी हैं गवर्नमेंट जॉब जो ऑफिसर लाइन की जॉब है, जैसे स्पेशल ऑफिसर भी लग सकते हैं डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे। ये तो होगी गवर्नमेंट जॉब्स। यदि कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा तो बिजनेसमैन बने, तो बिजनेसमैन बनाने के लिए 6 ईयर की पूरी डिग्री, 2 साल का ABM एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना है, फिर उसके बाद जैसे IIM से कोर्स कर लिया तो उसके बाद कंपनियों में जॉब लगती है। जैसे हमारे एक बच्चे की कंपनी में जॉब लगी है, पार्ले जी कंपनी में उसको 55 लाख रुपए का पैकेज मिला है। आज ही मेरे पास एक न्यूज़ आई थी, मोहित चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से बच्चा है जिसका 2 करोड़ रुपए का पैकेज लगा है USA में, USA से PhD करेगा और 2 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे स्कॉलरशिप, पढ़ने की स्कॉलरशिप है तो 2 करोड़ रुपए। हाँ जी उतरेगा भाई, बड़ा स्पीचलेस बात हो गया। तो अच्छा सर आपसे मैं बात करूंगा, कितनी वैकेंसियां निकले हैं, क्या 10-15 वैकेंसी ही निकले हैं, कितनी वैकेंसी निकले हैं, वो पूरे हरियाणा पे निकला है या इंडिया पे निकला है, क्या बताओ? ये होती तो सेंट्रल लेवल पे है सर। अच्छा, जैसे ADO की पोस्ट निकली थी, अब 627 पोस्ट है। अच्छा, यानी कि सीटें तो बहुत कम है, 627 में तो सारा लग ही जाता है लगभग, जितने बच्चों ने कर रखी कोई भी बच्चा नहीं रहता। ये तो मैंने सिर्फ ADO की बताई आपको, AFO अलग रह गया, HDO अलग रह गया, SDO अलग रह गया, IFCO में अलग रहेगी, क्रिप्को में अलग रहेगी, NABARD में अलग रहेगी, SO में अलग रहेगी और अदर सेक्टर्स में अलग रहेगी। और दूसरी मैं बात करता हूँ सर, इसमें गर्ल्स भी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का मैंने ऐसा देखा है ड्रीम कि हमारी बेटी बैंक में जॉब करे या हमारी बेटी डॉक्टर हो, तो इसमें दोनों उपाधियां ले रही हैं, वो बैंक में भी जा सकती हैं AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और NABARD के थ्रू, और वो डॉक्टरेट भी ले सकती हैं इसके थ्रू, यानी कि दोनों ऑप्शन उन पेरेंट्स के पास हैं। तो यानी कि जिन बच्चों ने 10th क्लास अभी कर ली है, वो इसीलिए हमने पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से इनवाइट करता हूँ, 22 मई को हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें हम ये बताएंगे, हमारी टीम अलग अलग बैठेगी कि बच्चा किस फील्ड के लिए अच्छा है, कि बच्चा मेडिकल स्ट्रीम के लिए अच्छा है, बच्चा नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए अच्छा है, बच्चा आर्ट्स के लिए अच्छा है, बच्चा कॉमर्स के लिए अच्छा है, यानी कि जिस तरीके से उसके माइंड को जैसी डोज की जरूरत होगी एग्री अकेडमी उसको वैसी ही डोज देगी, यानी कि जिस तरीके से बच्चे का आंकलन लेंगे कि बच्चा का स्टेप 1 है या स्टेप 2 में है बच्चा या स्टेप 3 में है, यानी कि 3 चरण में हमने उसको डिवाइड कर दिया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अगर स्टेप 3 में आता है बच्चा थोड़ा सा
स्टेप टू में आता उससे मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट है, स्टेप वन में आता मतलब बच्चा फर्स्ट क्लास चल रहा है, यानी कि इसकी स्कूलिंग अच्छी हुई है। और कोरोना काल में तो सर बच्चों को बड़ा लॉस हुआ था, तो उसके कारण जो है जो दसवीं का बच्चा है मैं उसका एट्थ का लेवल मानता हूँ, क्योंकि उसने दो साल अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया हो, तो इसलिए हमने व्यवस्थाएं पूरी अच्छी रखी। जो प्लस टू में प्लस टू बी एस सी एग्रीकल्चर मेरे पास बच्चा आता है उसकी प्लस वन प्लस टू की भी क्लासेज मैं देता हूँ उसको, ताकि उसका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाए। यानी कि एग्रीकल्चर में एक ही नाम पूरे हरियाणा में, एग्री एकेडमी हिसार। हम अपना पूरा 100% देते हैं सर, बच्चों के प्रति समर्पित रहते हैं। हम फर्स्ट डे जो पेरेंट्स से हमारी बात होती है वो लास्ट दिन तक हम उस स्टेज के ऊपर रहते हैं। ये एग्री एकेडमी की पहचान है, और हमारा यहाँ तक पहुँचने का रीज़न भी क्या है, अभिभावकों का प्यार। मैं आपसे ये जान मतलब जो आपने बताया उसमें एक बात मेरे ख्याल से ये भी हो सकती है, वैसे तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसियाँ निकल आई हैं, लेकिन जिनका डोमोसाइल हरियाणा का हो। हाँ हाँ हाँ, इसका क्या है कि सर जो राजस्थान का बच्चा है एग्रीकल्चर 10th बेस एग्रीकल्चर करना चाहता है, तो उसका डेमोसाइल यानी कि रेजिडेंस उसका हरियाणा का होना चाहिए, तो ही कर सकता, नहीं कर सकता। यानी मतलब हम ये मान के चले 80% तो 90% तो हरियाणा के ही लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मान के चले सर, यूनिवर्सिटी के ही बच्चे लगेंगे। जो 10th बेस एग्रीकल्चर है उसमें ओनली हरियाणा के स्टूडेंट्स ही एचयू में एडमिशन पा सकते हैं, लेकिन जो 12th बेस है, 12th बेस में एक एग्जाम कंडक्ट होता है आईसीआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके अंडर सारी ऑल ओवर इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की आईसीआर के अंडर काम करती हैं। तो आईसीआर का जो एग्जाम होता है उसमें राजस्थान के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और जितने भी और स्टेट है सबके, लेकिन 10th बेस एग्रीकल्चर ओनली फॉर हरियाणा, उसमें सिर्फ हरियाणा के बच्चे एडमिशन लेंगे सर, अदर स्टेट का नहीं लेगा। अच्छा देखो, आपने एक खास बात और है, जो मैंने मेरे बड़का का एडमिशन कराया पूरे साल खातर है, इस कोर्स की या यो फायदा है मात्र 3 महीने का। बिल्कुल बिल्कुल 3 महीने का सर। अभी पेरेंट्स ये कंफ्यूजन में हैं कि मैं मेरे बच्चे को मेडिकल दिलाऊं या नॉन मेडिकल दिलाऊं, आर्ट्स में डालूं, कॉमर्स में डालूं, बीएससी एग्रीकल्चर में डालूं, वीएलडी में डालूं, एनडीए में डालूं, नेवी में डालूं, डब्ल्यूएसएसआर की तैयारी कराऊं, एसआर की कराऊं, एमआर की कराऊं, एक्स ग्रुप की कराऊं, वाई ग्रुप की कराऊं, एनडीए की कराऊं, एमएनएस की करवाऊं, किस चीज़ में, इन विच स्ट्रीम वी हैव टू चूज। पेरेंट्स इतना कंफ्यूज है, उसका सबसे उसको परप्लेक्स मत बनाएं, कॉम्प्लेक्स मत बनाएं उस चीज़ को। इट्स वेरी सिंपल टू टेक द डिसीजंस। आप अपने बच्चे सबसे पहले तो अपने बच्चे का टेस्ट दिलाएं 22 अप्रैल का, कि आपका बच्चा किस फील्ड के लिए अच्छा है। सबसे पहले उसका इंटरेस्ट जानना है हमें, उसके बाद उसके इंटरेस्ट के ऊपर हमें काम करना है। तो हमारी जो टीम में मैंने डिवाइड की है सर, पर्सनली मैं खुद भी काउंसलिंग करता हूं बच्चों की, कि किस उसके रिजल्ट के आधार पे, कि बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो मेंटली लेवल पे किस तरीके का जवाब देता है, जैसे SSB की उसकी तैयारी होती है। तो यानी कि एक सिंपल टेस्ट नहीं लेंगे हम 22 तारीख को, एक मतलब एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेंगे, जी पेरेंट्स हमारे पास एडमिशन ले या ना ले वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस पेरेंट्स को सलाह इतनी अच्छी देंगे कि वो हमें हमेशा ज़िंदगी में याद रखेगा कि हमारे बच्चों के लिए एग्री एकेडमी से हमें सबसे बढ़िया सलाह मिली थी। अरे सबसे बड़ी बात, 3 महीने का ही कोर्स है। हाँ बिल्कुल सर, ये 3 मंथ्स का कोर्स है, यानी कि अभी बच्चा मेंटली फ्री है। अब पेरेंट्स ये भी उनको ये भी दबाव नहीं है कि मेरे बच्चे को अभी प्लस में मुझे एडमिशन दिलाना है। हाँ, कोई क्लास स्पॉइल होगी या ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जून जुलाई तो छुट्टियाँ रहती हैं स्कूल्स की, तो अभी बच्चा बिल्कुल मेंटली फ्री है। यानी कि जिन पेरेंट्स को 10th बीएससी एग्रीकल्चर 12th बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करवाना है वो एग्री एकेडमी में ही आए। अच्छा एक सवाल सर आपसे है, जो टीचर अभी आपके पास है, बड़का का एडमिशन हो गया, क्या वो टीचर 3 महीने पूरे पढ़ पुगाऊंगे कि नहीं, कदे बीच में बाजिया में बढ़िया से इसका जवाब मैं दूंगा जी। क्योंकि इसमें क्या है कि सर 10th एग्री में तो हम जैसे मैं प्रोफेसर दोनों ही पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या है कि 60-70% सिलेबस हम दोनों कवर करते हैं और 100% सिलेबस है, यानी कि 60-70 तो हम ही हैं खुद ही, तो भागने का तो सर सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि हमने जो कमान है वो खुद के हाथ में रखी है, दूसरे के कंधे पे नहीं रखी। एग्रीकल्चर 60% तो आपके ही हमारे ही हाथ में है, तो यानी कि सर वो तो सवाल ही हमारी एकेडमी में तो क्वेश्चन ही नहीं आता कि कोई टीचर चला जाएगा, टीचर चेंज हो जाएगा। जो ये तो अपनी एकेडमी में जितने भी स्टाफ मेंबर हैं एज ए फैमिली मेंबर हैं, सारे के सारे पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रखा है सारे टीचर्स ने, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, हॉस्टल वार्डन, पीएन, A to Z जितने भी रिसेप्शन पे मैम हैं, सारे एक मिल के एक ज्वाइंट फैमिली के अकॉर्डिंग पूरी मेहनत कर रहे हैं बच्चों पर, और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए अग्रसर है। लास्ट प्रश्न सर। हाँ जी, जो बड़का ने पढ़ा हो वो टाइमिंग की है, टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ाते हैं। रात के 12 सर, सुबह 8 से रात के 12। हाँ जी सर। यस सर,
ये जब लास्ट का जब डेढ़ महीना रह जाता है या दो महीने रह जाते हैं तो हम ये सुबह 8 से लेकर रात के 12 बजे तक का शेड्यूल क्रिएट करते हैं। इसमें क्या रहता है, सुबह जैसे बच्चा आया 8 से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर पढ़ेगा, 1 से 2 लंच हो गया, फिर उसका एक टेस्ट होएगा, हर रोज़ एक टेस्ट होएगा सुबह दिन में, फिर दिन में उस टेस्ट का एनालाइज किया जाएगा कितने मार्क्स आए, पूरा पेपर पे एक एक ऑप्शन डिस्कस किया जाएगा, फिर बच्चा ब्रेक के लिए जाएगा, फिर रात को डिनर करके 8 बजे आएगा, फिर एक टेस्ट होएगा। मतलब एक दिन में टेस्ट, एक रात में टेस्ट। एग्री अकेडमी सार 120 टेस्ट लेने का वादा करती है। 120 टेस्ट का मतलब है 12,000 क्वेश्चन। 12,000 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपको HU में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। जब भी हमारे एक बच्चे ने जतिन बिसला ने खेदड़ गांव से 97 मार्क्स लाए हैं 100 में से, यदि हम 120 टेस्ट ना लें तो ये 97 लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब की बार 100/100 का सपना लेके हम चले हैं, और 97 पिछली बार 3 नंबर कटे थे, अब की बार वो 3 नंबर नहीं कटेंगे। पिछली बार एग्रीकल्चर में 60 में से 60 आए थे, साइंस में 37 थे। इस बार हमने साइंस के पाँच टीचर हैं जो साइंस पढ़ा रहे हैं, तो एक भी नंबर निकट होने देंगे बच्चों का, तो 100/100। क्योंकि सर 720 में से 720 नंबर आ सकते हैं नीट के एग्जाम में, तो हमारे 100 में से 100 तो हम बिल्कुल दिला सकते हैं बच्चों को, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और हमारा मोटो है सर, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फजूल है कद आसमान का, यानी कि हौसलों से इंसान की उड़ान होती है। तो हमने हौसले हमारे बुलंद रखे, स्काई हमारी लिमिट रखी, नेकी के पथ पे हम मेहनत कर रहे हैं और भगवान बालाजी महाराज हमारे साथ है, तो हम इस बार भी सुपर रिजल्ट देंगे हरियाणा को। 55 की 55 सीटों पे एग्री एकेडमी का कब्जा होगा, और ये हम पूरे शिद्दत से इसके ऊपर मेहनत करेंगे। हमारी पूरी टीम जो है, पूरी की पूरी टीम क्रिएटिव है, हर एक व्यक्ति अपना पूरी लगन से अपना कार्य को कर रहा है। 22 मई को एग्जाम, हाँ जी 22 मई को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसमें मैं सारे हरियाणा प्रदेशवासियों को इनवाइट करता हूँ कि एक बार एकेडमी में आप विजिट करें, आएं एक बार एकेडमी में आप इन्वायरमेंट चेक करें, और अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स, अगेन यही मैसेज दूंगा, अगर आप BSc एग्रीकल्चर करवाना चाहते हैं तो एक इनाम पूरे हरियाणा में एग्री अकेडमी हिसार। सो सभी पेरेंट्स का नमस्कार करता हूँ, जी आयनु स्वागतम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई एक सवाल फिर से रह गया, क्योंकि दिन रह गए थोड़े, आज लगभग 20 तारीख है, 22 तारीख का पेपर है, तो सर 22 तरह मान लो कुछ बड़का के पास, पेरेंट्स के पास मैसेज नहीं गया, तो कोई ऑप्शन उनके लिए आपने सोचा हो? जैसे जो भी किसी कारणवश 22 तारीख को एग्री अकेडमी सार के प्रांगण में ना पहुँच पाए जी, तो उसके लिए हम एक वीक दिया जाएगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28 किसी भी दिन आके पर्सनली यहाँ पर एक टेस्ट दे सकता है और अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। ओके, मतलब 22 से लेकर 28 तक वो आए अपना, वैसे तो 22 नहीं आ जाओ भाई, नहीं आ पाओ तो फिर एक दो दिन थारा एक हफ्ता बढ़ा दिया है, और अपना टेस्ट जरूर दो। तो भाई ये मेरी छोटी छोटी बहनें और छोटे छोटे भाई हैं, तो इनसे हम बात कर लेवा इनकी पढ़ाई से। बेबी राम राम। राम राम सर। और ठीक है? हाँ बढ़िया, आप बताओ। तो कौन सी क्लास में अभी? मैं प्लस टू में हूँ अभी, प्लस वन कर ली मैंने। अच्छा प्लस वन कर ली, प्लस टू में होगी, वेरी गुड। तो अभी किस चीज की पढ़ाई? BSc एग्री 10th फेज। BSc एग्रीकल्चर 10th फेज। पढ़ाई का तरीका क्या है यहाँ पे? पढ़ाई का तरीका मैं तो कहूँगी बेस्ट है, मतलब जैसे स्कूल का सिस्टम होता है ना, उससे भी डबल हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है, बच्चों को जो चाहिए उससे ज़्यादा मेहनत तो हमारे सर करते हैं। 8 बजे एकेडमी का टाइम 9 बजे है, हमारे सर 8 बजे आ जाते हैं, कुछ बच्चों को मतलब पहले पढ़ना है तो 8 बजे अवेलेबल होते हैं, उसके बाद रात के 8 बजे तक तो एकेडमी अभी खुलती है, लास्ट के एक महीने में सर बोलते हैं कि 12 बजे तक भी खुली रहेगी, तो सुबह 8 से शाम 8 बजे तक तो पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है, और सबसे अच्छी बात तो फ़ोन रख लेते हैं। तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मेरी आदत भी ऐसी थी, मैं बहुत फ़ोन यूज़ करती थी, यहाँ पे आके सुधर रही है, और मतलब ये है कि सब कुछ फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है, तो बेस्ट। पिटाई होती है? नहीं पिटाई, हाँ पिटाई होती है ना, जो मतलब जिनका अच्छा स्कोर है उनको चॉकलेट भी मिलेगी, और जो पढ़ाई नहीं करते उनकी पिटाई भी होगी। और एक और बात जो सबसे अच्छी है, बच्चों से पहले हमारे मार्क्स हमारे पेरेंट्स को पता चलता है, तो बहुत खतरनाक बात है, सबसे खतरनाक बात है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा गुड़िया राम राम। राम राम। मैंने वो बच्चे बहुत अच्छे लगे हैं जो कैमरा देखकर नड़ नीचे कर ले, फिर उन्हें से पूछ नीचे कर रहे। अच्छा कौन सी क्लास में?
मैं 10th की है अभी। 10th की है हाँ। तो अभी पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे? पढ़ाई बढ़िया चल रही है। घटिया कहोगी तो फीस बढ़ा देंगे या फिर तेरी पिटाई उसका है? नहीं ऐसा कुछ। मतलब बढ़िया का मतलब क्या? बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है। कोई ट्रिक से पढ़ावा है या सारे दिन लगाए रखा है तो याद नहीं? ट्रिक से पढ़ाते हैं। ट्रिक से पढ़ाते हैं। ट्रिक से पढ़ाते। और कौन क्या बोल सकता है? बेबी राम राम। राम राम सर। ठीक है। यस सर। अच्छा पढ़ाई कैसी हो यार? अच्छी हो रही है ना? इससे अलग कुछ जवाब? मैंने तो फर्स्ट क्लास लिया आज। अच्छा आज पहली बार ट्रायल पे ही आई है, तो ट्रायल कैसी थी? बहुत बढ़िया रहा सर। स्पेशल क्या रहा ट्रायल में भाई, जो और कहीं या स्कूल में नहीं थी, यहाँ की ट्रायल अच्छी थी? सर हर फैसिलिटी है, टीचर्स का पढ़ाने का फैसिलिटी का तो मतलब ये नहीं कि आपके लिए कोई चाय लेके आया होगा? नो सर, जो क्लासेस लगाई, टीचर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ, हर चीज क्लियर। टीचर का तो कंसेप्ट क्लियर है, आपका हुआ कि नहीं? यस सर हुआ। चलो ठीक है मेरे बेटे। तो भाई राम राम। राम राम भाई। कौन सी क्लास में? 10th में है। तो पढ़ाई कैसी हो रही है यहाँ पे? एक्चुअली आज फर्स्ट डे ही है सर। अरे वेरी गुड। फर्स्ट डे में क्या लगा, क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन यही कि यहाँ पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, स्टाफ भी थोड़ा कोऑपरेटिव है, और मतलब कर सकते हैं जो यहाँ पे साइंस मैथ जो भी पढ़ा है, एग्रीकल्चर पढ़ा है, वो उसका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ? कंसेप्ट लगभग 95% तो क्लियर हो ही गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो रह जाता है थोड़ा बहुत। ओके। अब उसी के लिए यहाँ पे आए हैं। तो उनका पढ़ाने का तरीका ठीक है? अच्छा है पढ़ाने का। अच्छा तो महीना किसने हुआ होगा यहाँ पे? एक ये भाई है। भाई राम राम। राम राम। प्लस टू में? हाँ जी सर। अच्छा तो पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे? बढ़िया चल रही है सर फिलहाल तो। फिलहाल बढ़िया चल रही है। आगे का बिरा नहीं? आगे का कि मैं मेरी बिरा मतलब फिलहाल में कितने दिन से क्या कुछ सीखा? चौथा हफ्ता हुआ, मतलब एक महीना हो डाला है मैंने। अच्छा तो फिलहाल तो सही समझ में आया है। हाँ। जितना पढ़ा हुआ है। हाँ। खुद पढ़ना तो पड़ेगा, अब सब कुछ सर तो कराएंगे नहीं, खुद पढ़ना पड़ेगा। हाँ। अपना जोर लगाएंगे, जल्द ही नंबर आऊंगे। देखो भाई सच्चाई तो ये है, 50-50 होता है, 50% सर काम करते हैं और 50% ये काम करते हैं, और जब दोनों मिला के डिसिप्लिन क्रिएट हो तो डिसिप्लिन की जो अगर आप कैलकुलेशन देखो, ए बी सी डी, डी जैसे चौथे नंबर पर आया है, उसके बाद वो टोटल करेंगे तो 100 बनता है उसका। अब अगर ये 50% देवें, सर 50% देवें, तभी 100 बनेगा, और 100 बनेगा तभी तो छोरे के 100 में से 97 नंबर आए हैं, और इस एकेडमी से 3 बच्चे हैं जो 111, तीनों के रैंक 1 आए हैं, और 55 में से 33 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है भैया। और एग्रीकल्चर का एक ये कॉन्सेप्ट जो हम सिर्फ यूं ही सोचा थे कि आईआईटी पीएमटी जे इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा स्कोप है, और 650 वैकेंसी सिर्फ हरियाणा स्तर पे होना ये उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ तो जो जिस भाई ने नहीं सुनी हो तो दोबारा सुन लो, 22 मई से 28 मई तक टेस्ट होगा। जो माँ बाप अपने बालका ने यहाँ पे लेना चाहे तो ले आओ, फायदे में रहोगे। फिलहाल तो ये बात इतनी ही है, और कैश दे के देख लो कितने पानी में आपका बालक है, और बाकी तो आप समझदार हो। एग्री के नाम से अकेडमी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्री एकेडमी हिसार, और एड्रेस जो है न्यू ऋषि नगर गली नंबर 2 नियर बस स्टैंड हिसार। मोबाइल नंबर आप देख रहे हो 9588173621 9896661862। ये आपने नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब नोट कर लिया है। एड्रेस थोड़ा सा टिपिकल है, और भाई ज़रूर आओ, ऑप्शन एक नया सा हाथ में लगा है, तो आई होप मैं भी नेक्स्ट टाइम से मेरे बड़का के बारे में ऐसा ही कुछ सोचूं। तब तक के लिए यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय जय हो।